We have a question also on this from, I think this is coming from the ladies section. As we have seen in Mumbai, Mohalla committees have been very successful, and you know they have been assisting in avoiding riots for so many years, right? Now please let us know your views on this, how these committees can effectively work, exactly. And what is it that they can do. It's coming from Ms. Asma of Sampark Foundation in Bangalore. Yes, असल में ये मुंबई का जो मॉडल है वो पुलिस खुद बताते हैं कि ये कहाँ से लिया है, कहाँ मतलब एथनिक और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज जब होगा तो मतलब पीसफुल नहीं होगा, ये है ना जो कॉन्सेप्ट है, मतलब एक तरह के लोग नहीं है, अलग अलग भाषा, अलग अलग रहन सहन होने वाला लोग जब एक साथ रहेगा तो प्रॉब्लम होगा ही, यही है जो लोग आपस में बोलते हैं, ये गलत है, सरासर झूठ है, यह गलत है। उसके खिलाफ जो आपको दलील मिलेगा वो सबसे बड़ी चीज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना स्टेट है, जहाँ पर वहाँ पर बनू कुरैला, बनू कैनुका, बनू नज़ीर, बनू मुज़दलिफ़, ये तमाम यहूद ग्रुप्स मौजूद है, वहाँ पर मुसलमान भी है, ये बताते हैं कि वो 15% है, वो 85% ज्यूस और वहाँ पर अहले किताब है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सब लोग एक उम्मत होकर रहे। वहाँ से जब आगे बढ़े मुस्लिम उम्मत, जवाहरलाल नेहरू अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में तफसील से लिखते हैं कि ये इंडिया में भी जब रजवाड़ा होकर आपस में लड़े, द पीपल हु केम फ्रॉम द वेस्ट, द मुस्लिम्स, दे वेर विद द वर्ल्ड व्यू दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बेसिकली कमिंग फ्रॉम वन फोर फादर, आदम से आए हैं जो है, और सब लोग आदम और हव्वा के बच्चे हैं, तो इसलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इसी वर्ल्ड व्यू से 12th to 18th century बगदाद में अब्बासिद खिलाफत में, ये कोट मैं नहीं करता हूँ, यूएन के डॉक्यूमेंट्स, क्यों ग्रासरूट्स एंगेजमेंट होना चाहिए जो मुंबई के मोहल्ला कमेटीज़ के बारे में बताया, उसका दलील देते हुए पांच दलील देते हैं। नंबर वन अब्बासी दरा, वो मदीना नहीं कोट किए, अब्बासी दरा। नंबर टू है इस्तंबुल, 13th century इस्तंबुल। नंबर थ्री है वियन्ना, 17th century वियन्ना, और कॉन्स्टेंटिनोपल, और आज के दुबई दुबई दुनिया के सबसे बड़ा कॉस्मोपॉलिटन डाइवर्स जगह है, जहां पर आपको कोई दंगा नहीं दिखेगा, जो भी अंडरस नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि वहां पर एंगेजमेंट होते हैं और वो डाइवर्सिटी कभी भी एक दूरी पैदा करने का सबब नहीं बना। एंड इट्स आल्सो एन एडिशन बिकॉज द रूल ऑफ लॉ इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एग्जैक्टली, जहां पे जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ होती है वो बहुत जरूरी है। इसके लिए जो डिस्कशन हमारा था, पीस पहले जरूरी है, वो पीस आने के बाद में हारमोनी आएगी, पीस अगर हमारे पास नहीं होगा तो हारमोनी आना नामुमकिन है, राइट? सो इट इज एसेंशियल दैट वी नीड टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ अ नॉलेज बेस कि इस कम्युनिटी को रहने के लिए क्या क्या असातिज़ा चाहिए, उनके क्या ज़रूरतें हैं, उन चीज़ों को किस तरह से मैसर करें, हाउ दे गेट सपोर्ट सिस्टम, ये अगर गवर्नमेंट सिस्टम बना के देती है, राइट, देन उस तरह की इश्यूज क्रिएट नहीं होंगे। आई मीन फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, जब हम लोगों की कुर्बानियों का मसला आता है, आज तक हमारी कुर्बानियाँ रास्ते पे होती थी, आप जाके किसी भी अरब मालिक में देखें कहीं पे भी रास्ते पे नहीं होता ये, राइट? लेकिन हमारे पास होते हैं और हमारे पास जिद है कि हम रास्ते पे करें, और उसके बाद में सफाई का मसला होता है, वो होता है, ये होता है, कई ऐसे मसले हैं जो हम लोगों ने अपने आप क्रिएट किए हुए हैं, राइट? क्यों हम इन चीज़ों को हम अपने आप सही नहीं कर सकते, सो दैट बाहर वाले आज हमारे पर क्वेश्चन और सवाल नहीं करें, पॉइंटेड फिंगर्स नहीं करेंगे। बिफोर आई मूव टू यू, आप लोगों के पास जो सवाल आते हैं अगर आप लिख के भेजें मेरे को, इट विल बी बेटर दो दैट वी गेट इन अ डिस्कशन एंड आंसर देम, सो दैट वी कैन सेव आवर टाइम ऑन दैट। आसिफ भाई, यू कैन कंटिन्यू ऑन व्हाट इज इट दैट द स्टेट मैकेनिज्म इज सपोज टू डू, मतलब स्टेट मशीनरी क्या करनी चाहिए इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए। आई मीन एज यू नो, यू हैव बीन ऑन द ग्राउंड, यू नो व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू दैट। आई विल जस्ट ब्रीफ, यू नो व्हाट इज द स्टेट सपोज टू डू, राइट? हाउ यू इट इज नॉट डूइंग, कि वो क्या नहीं कर रहे हैं, probably you can better elucidate that. State का जो काम है, state का मतलब government का जो काम है, उसके अंदर बहुत से specific points और rules लिखी हुई हैं, और इसके लिए एक law भी बना हुआ है जिसके अंदर communal rights को रोकने का तरीका, वो सारी चीज़ें लिखी हुई है, और उसको बोलते हैं that there is a specific guideline issued in 2008 which is by the government which says there has to be preventive measures. मसलन जहाँ पे ये चीज़ होने का अंदेशा है, आपको इंटेलिजेंस सिस्टम होनी चाहिए, वो इंटेलिजेंस को मान के चलने के लिए कि सारी चीज़ें हैं। तो अब जब इंटेलिजेंस सिस्टम होती है तो इसको रिकॉर्ड करना पड़ता है,
और इसको सही जगहों पर पहुंचाना पड़ता है, जिस जिस डिपार्टमेंट में इनके इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे पुलिस है और फायर डिपार्टमेंट है, यू नो योर मेडिकल सिस्टम्स हैं, सॉरी उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, मतलब जो लोग इसके नुमाइंदे रहेंगे, जो लोग इसके हेड्स ऑफ ऑफिसेज रहेंगे, उनके पास वो पावर्स होनी चाहिए कि इन चीज़ों को रोकने का तरीका होना चाहिए, इन चीज़ों के लिए पावर होनी चाहिए, राइट? व्हाट इज़ द पर्सनल पॉलिसी, मतलब जो लोग उन जगहों पे काम कर रहे हैं उसमें किस तरह के लोग होंगे, इट शुड बी अ मिक्स कम्युनिटी, राइट? और उनके अंदर क्या पब्लिक सर्वेंट्स काम करेंगे, क्या मेडिकल सिस्टम्स काम करेंगी, और नेक्स्ट सिस्टम है उसके अंदर के वीआईपीज और डिग्निटरीज और पॉलिटिशियंस को विजिट करने के लिए उनका यू नो एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनको वहाँ पे जाने के लिए मिलनी चाहिए। फिर दूसरी चीज़ है प्रेस एंड मीडिया का क्या रोल होना चाहिए, प्रेस एंड मीडिया क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, उनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, राइट? आई एम श्योर यू आर आल्सो लिसनिंग सो दैट यू नो वी कैन पार्ट गिव आंसर्स ऑन आपके हालात में क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, आपके यू नो तरीके से जो स्टडी हो रही है, रिसर्च हो रही है, उसमें इन चीज़ों के बारे में क्या जवाब आता है। फिर उसके बाद में जब दंगे हो जाते हैं या हो चुके होते हैं तो एनफोर्समेंट एजेंसीज क्या करती हैं पीस लाने के लिए, एनफोर्समेंट एजेंसी के पास क्या पावर है, उनको क्या दिया गया है, किस पावर से वो लोग काम करते हैं, उनके पास उस तरह के असातिज़ात हैं, उनके पास वो अखात है, उनके पास वो पावर्स हैं जिस चीज़ को उनको इम्प्लीमेंट करने चाहिए। इसके बाद में लीगल सिस्टम है, लीगल सिस्टम है जिसके अंदर जो चीज़ें आपके पास से जा चुकी हैं, आपके पास से जो नुकसान हो चुका है उसको भरपाई कैसी होगी, ये सारे रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से ऑलरेडी हमारे पास दे चुके हैं, राइट? तो आप जब जाते हैं, जब आप ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, इन चीजों में आपके पास क्या मदद मिलती है? जितने भी पॉइंट्स आपने बोले हैं ये सिर्फ टेक्सुअल पॉइंट्स हैं, इसका बहुत ही खूबसूरत सा जवाब यह है कि इस्लाम में है कि अमाल का दारोमदार नियत पे है। ये सारे स्टेट ने लिखे हैं लेकिन उनकी नीयत नहीं है, और जब चूंकि उनकी नीयत नहीं है इसलिए ये सिर्फ फैंसी वर्ड्स हैं। मसलन जब दंगे होते हैं तो स्टेट मुसलमानों को और ऑप्रेस्ड ग्रुप्स को और दूसरे माइनॉरिटीज को सिक्योरिटी देने में नाकाम रहता है। सबसे पहले लिखा होगा आपने कि जब दंगे होंगे स्टेट को कोशिश करना चाहिए कि कम्युनली सेंसिटिव जो एरियाज है उसको डिमार्केट करें, उसमें हारमोनी का काम करें। स्टेट इसके उलट करती है, लोकेलिटीज को कम्युनली सेंसिटिव बनाती है ताकि दंगे ऑर्केस्ट हो सके। इसमें लिखा है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जब दंगे होंगे तो एक 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 मैकेनिज्म ऐसा होगा जिसमें लॉस ऑफ लाइफ को सबसे ज़्यादा जब बचाया जा सके, लॉस ऑफ लाइफ को कम किया जा सके। इसके उलट होता है, जब दंगे होते हैं तो स्टेट कोशिश करती है लॉस ऑफ लाइफ ज़्यादा हो ताकि ये एक बड़ा सेंसेशन बने जिसको वो इलेक्टोरली मिसयूज कर सके। इसमें लिखा है कि लीगल सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि लोगों को जस्टिस मिले। मैं कहता हूं लीगल फ्रेमवर्क ऐसा है कि मुसलमानों को जस्टिस मिल ही नहीं सकता। दंगे के तीन स्टेज होते हैं, प्री वायलेंस, ऑन वायलेंस, पोस्ट वायलेंस। प्री वायलेंस में पहले माहौल क्रिएट होता है जिसमें कहानियां क्रिएट होती हैं। क्या वजह है कि आप दंगों से पहले लोग को मालूम होता है कि कुछ होने वाला है। दे स्टार्ट डिमार्केटिंग मुस्लिम हाउसहोल्ड्स, भगवा झंडा लगा देते हैं, डिफरेंट कलर से पेंट कर देते हैं। इसका मतलब स्टेट को पता है कि ऐसा होने वाला है। जब लोगों को पता है इट मीन्स स्टेट इज वेरी अवेयर ऑफ दैट। जब दंगे होते हैं, मैं मुस्तफाबाद में एक लड़के से मिला, उसने बोला कि जब मैंने SHO को फ़ोन किया, उसकी रिकॉर्डिंग उसके पास थी, तो उसने जब लोकल SHO को फ़ोन किया कि दंगाई मेरे घर के बाहर खड़े हैं, आप हमको सिक्योरिटी दीजिए, तो SHO कहता है कि तुमको चाहिए थी आज़ादी, आज़ादी दे रहे हैं, ले लो। सो वो SHO जो एंटाइटल है आपको सिक्योर करने के लिए, वो कहता है कि तुमको आज़ादी भी दिलवा देता है। तो उसकी नीयत कभी रही ही नहीं इनको सिक्योर करने की। जब नीयत नहीं रही तो मैक्सिमम लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी होगी ही। तीसरा जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो मैंने दिल्ली में देखा, अगर किसी हिंदू ने FIR किया है और अगर किसी मुस्लिम ने FIR किया है, तो एक मुसलमान को FIR करने के लिए खारगोन में 3 दिन पुलिस के चक्कर लगाना पड़ा। पहले दिन FIR करने गया तो उसने उसको 5 घंटे बिठाया, दूसरे दिन 6 घंटे खड़े रखा, तीसरे दिन कहीं जाके FIR किया। अगर कोई हिंदू एग्रीव्ड FIR करने के लिए गया तो उसको चाय और कॉफी भी पिलाई और 10 मिनट के अंदर उसका FIR हो गया।
इसके अलावा अगर मुसलमान बहुत लड़ झगड़ के उसने एफआईआर करवा भी दिया है, सेक्शन देखिए, मुसलमान का घर जला है और हिंदू एक्यूज्ड है, सेक्शन है मिस्चीफ बाय फायर। मजाक कर रहे हैं आप? मतलब उसको मिस्चीफ करना था, शरारत करनी थी, आग जला दिया। और अगर मुसलमान एक्यूज्ड है उस पर देखिए 307 302। इसके अलावा लीगल सिस्टम ऐसा इस मुल्क का बना हुआ है जिसमें अगर मुसलमान, जैसे कहते हैं ना कि एवरी वन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, मुसलमान इज ऑलवेज गिल्टी अंटिल दे प्रूव देमसेल्फ इनोसेंट। तो हमारे पास डबल बर्डन है, एक्स्ट्रा बर्डन है। तो ये जितने रूल बुक है ना, ये फैंसी वर्ड्स हैं दिखाने के लिए, ग्राउंड पे जस्टिस का उल्टा होता है। सोहेल भाई, वांट टू ऐड समथिंग? या आई वुड से मतलब ये मतलब जो आसिफ भाई जितने भी बताया वो बिल्कुल सही है, आई बैक इट। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जस्टिस एक ऐसा चीज़ है जो आप मिसाल के तौर पर 2001 से लेकर जो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ और वो बेसिकली स्टेट वायलेंस है अगेंस्ट मुस्लिम्स जो हुआ था, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मुसलमान पकड़ धकड़ उनका पकड़ा गया, उनको जेल में डाला गया। लेकिन जब हम देखते हैं, जब जस्टिस की लड़ाई हुई कोर्ट में, जो देखते हैं 98% ऑफ द एक्यूज्ड दे आर एक्विटेड, द होल केस एंडेड अप इन एक्विटल। वो कौन दिया? वो यही कोर्ट से दिया। तो सिस्टम को अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे और सिस्टम को अगर आप जो है जैसा कि तहसबुहुम जमीअ व कुलूबुहुम शत्ता, जो सिस्टम के बारे में आप सोचते हैं कि सब एक साथ है, सब एक है, लेकिन नहीं, वो डायगनली एंड वर्टिकली डिवाइडेड है। उसी के अंदर आपको हर किस्म के लोग मिलेगा जो आपके जो है आपके हक में बोलने वाला और आपके खिलाफ बोलने वाला। तो अगर आप जो है क्लेवर इनफ है, स्मार्ट इनफ है, वो लोगों को समझना कि वो लोग हमारे काम के लिए आएगा और उसको आप सही तरीके से इस्तेमाल करेगा तो आपको ज़रूर मिल सकता है। मैं इसलिए ये हिस्सा बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हम पूरा तरीके से होपलेस नहीं होना है कि ये पूरा सिस्टम एक तरफ और आप अकेले हैं। मैं समझता हूँ कि सिस्टम के अंदर आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर अभी भी मौजूद है। इसका बहुत सारे दलील मेरे पास, एक तकरीबन 94 केसेस का जजमेंट लिस्ट है मेरे पास जो 2014 के बाद आए, जो पूरा तरीके से संघ परिवार और ये जो राइट मेकर्स और मैन्युफैक्चरर्स है उसके खिलाफ आए हैं। तो ये भी एक 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 सच है जो हमारे सामने है। लेकिन जाहिर सी बात है जो सिस्टमिक है वायलेंस, सिस्टमिक वायलेंस को हमें समझना चाहिए कि वो स्पॉन्सर्ड बाय द स्टेट एंड मिशनरी से। थैंक यू। आई हैव सम वेरी गुड क्वेश्चंस कमिंग इन, कपल ऑफ देम आर मोस्टली ऑन द मोहल्ला क्लिनिक्स, ऑन हाउ टू डू दैट, एनीथिंग स्पेसिफिक दैट यू कैन से, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट मोहल्ला क्लिनिक्स एंड यू नो ट्राई टू गेट दोज इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द कंट्री हियर, or have you seen them happening? Is there a model system that is very supportive? Is there a model system that has been very effective so that that can be replicated? That's the audience asking for that. And the next question is, when the police doesn't answer your query or your complaints, what do we do? Yeah. See, role of media, role of you know, the committees and all that, I mean, as we have come to a conclusion that this is a planned methodology, it is not in our hands as of today to actually go and change the media. We have to create that infrastructure, we have to create that setup system, we have to have those people to stand about. And basically this goes back to education, right? This goes back to education, this goes back to the thinking that we cannot stop after 10th standard, we have to get our children to move ahead. I mean, I can give you an analogy. If you look at it as education, when people stop studying after 10th standard, it is actually a strategy of the government not to let you study more than that. They try to give you an opportunity to earn more money immediately after 10th standard so that they cut you off from going into any other form of education. Yeah. So it's very essential that we find those students who are so interesting, who are interested to study further, that the systems or you know the movement like Masjid One is able to you know support their learning requirements, to sponsor their learning requirements, so that you know those students are able to go to certain level of learning. Okay, probably we can have a contract with them for the next 5 years that you study, we will fund you, but you will work with us for the next 5 years after you graduate. Right,
So these are certain methodologies that we are supposed to put in place. When I thought yesterday, we already heard from our brother in media industry also, that a lot of work that is being done is sponsored by the state itself, right? ये जो mindset जो हमारा change करना है, कई लोग हमारे पास आते भी नहीं हैं पढ़ने के लिए, you know? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मेरा कि हम मैं खुद भी एक स्कूल चलाता हूँ बैंगलोर के कई बड़ी स्लम में है वो स्कूल. कई लोग हमारे मुसलमान हैं जो आते नहीं हैं क्लासेस पे, पढ़ना नहीं चाहते. उनके माँ बाप सिर्फ वहाँ पे स्कूल में बच्चों को इसलिए लाते हैं कि उनको काम पे जाना होता है तो ये बच्चों को देखभाल करने के लिए कहीं जोड़ के जा रहे हैं, ठीक है? पढ़ने की नीयत से नहीं आ रहे बच्चे ये. तो ये बहुत ज़रूरी है हमको समझना कि तालीम इतनी इम्पॉर्टेंट है. कई और प्रोफेशन है जहाँ पर हमको करना है, राइट? मोहल्ला कमिटीज़ के सिलसिले में बेसिकली मोहल्ला कमिटीज़ का नाम रखना है, उसका ज़रूरत नहीं है. तो एक समाज के अंदर डीप एंगेजमेंट होने के लिए आपको करने का तरीका अलग अलग है. मैं बताता हूँ उसका तरीका क्या क्या हो सकता है. नंबर वन, आपके रेसिडेंशियल वेलफेयर कि हमारे पास यहाँ पर रोड ख़राब हुआ है, मैं रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, तो फ़ौरन आके ठीक करने के लिए वो मजबूर हो जाएगा क्योंकि इतना वोट के जो है रहम और करम पर वो आए हैं. तो वो जो है एक अच्छा तरीका है लोगों को आपस में जोड़ने का और जो है एंगेज करने का. नंबर टू, हमारा हम एनजीओस यहाँ बैठे हैं, हमारा एनजीओस का जो जो बेनिफिशरीज है हम किसको देते हैं मदद, उसमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारे अंदर एम्प्लॉयज़ हो या हमारे प्रोजेक्ट्स का बेनिफिशरीज हो. वो एक बड़ा तादाद में गैर मुसलमान भी हमारा समाज के अंदर जितने भी जो रिप्रेजेंटेटिव कम्युनिटीज़ है उनको उनका बेनिफिशरी उनको बेनिफिशरीज बनाने का कोशिश. वाकई अगर वो जो है जो जो क्राइटेरियाज फुलफिल करते हैं तो हम इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्लास एंड रिलीजन हम उनको मदद करेंगे. ये बड़ा असर करते हैं. डेढ़ सारे जो है एक्सपीरियंसेस जहाँ पर वो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने का है. तो ये म्यूचुअल एंगेजमेंट का तीसरी बड़ी जो है तरीका है. चौथा एक चीज़ है जो आप मस्जिद है, फॉर इंस्टेंस हर जगह पर मस्जिद है. ये मस्जिद अगर बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम पर ईद के मौके पर या रमज़ान के मौके पर अगर हम खोल के देते हैं, अगर जो है लोग अगर सोचते हैं कि मस्जिद के अंदर नॉन मुस्लिम्स एंटर नहीं करना है तो ठीक है, उसके बाहर हम अरेंज कर सकते हैं और हम उनके साथ ये बता सकते हैं देखिए ईद है ये और क्या ईद का मैसेज है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ रमदान, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ शाबान, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ जो है शव्वाल, ये बोल सकते हैं लोगों से. तो ये जो है म्यूचुअल एंगेजमेंट का, डीप एंगेजमेंट का एक तीसरा जरिया, लेकिन उसमें एक फॉर्मेलिटी ज़्यादा है. और पांचवा और सबसे अहम यह है कि इंडिविजुअल तौर पर आपके घर में लोगों को बुलाना और उनको चाय पिलाना, उनके साथ खैरियत पूछना, उनके जो है फैमिली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कोशिश करना, ये एक बहुत डिलिब्रेट अंदाज में आपको करना होगा. टारगेट करते हुए देखिए ये फैमिली को और ये इंडिविजुअल को मैं थोड़ा जो है मेरा साथ करीब लाने के लिए कोशिश करेगा. ये हमारा एक बड़ा जिम्मेदारी है ख़ास तौर पर ये टाइम पे. और जो है अगर आप सोच पूछेंगे कि एक इम्पोर्टेंट सवाल था, मैं भूल रहा हूँ, मीडिया के सिलसिले में एक अच्छा नमूना है सैटेलाइट टीवी का. केरला में मीडिया वन टीवी 10 साल पहले बनाया था, मीडिया वन चैनल. मीडिया वन चैनल एक न्यूज़ चैनल है, पहले इंफोटेनमेंट चैनल था, एक नेशनल न्यूज़ का. उसका जो सैटेलाइट फुटप्रिंट है पूरा साउथ अफ्रीका में है, पूरा सॉरी साउथ एशिया में है मौजूद, पूरा मिडल ईस्ट में हर जगह से एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं और सक्सेसफुल मॉडल है. अगर हम बोले कि हमारे यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में उस तरीके का लोग नहीं है, मैं समझता हूँ वो गलत बात है. मतलब मुस्लिम उम्मत के अंदर हर किस्म के लोग मौजूद हैं. हमारे ही अंदर ऐसे कई सारे इंडियन साइंटिस्ट मौजूद है जो दुनिया के सबसे बड़ा लेबोरेटरी है सर्न CERN, जहाँ पर इंटरनेट फाइंड आउट किया, जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है, जो बिग बैंग को रिक्रिएट किया है, जो हिग्स बोसॉन को हमने फाइंड आउट किया है, वहाँ पर काम करने वाला इंडियन मुसलमान मौजूद है, मेरा खुद जो ब्रदर इन लॉ मौजूद है. ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर वहाँ काम किए, ऐसे लोग हैं जो मिलिट्री जो है DDA जो आपके मिलिट्री जो है साइंस के जो है काम करते हैं. इस तरीके का अलग अलग किस्म के ह्यूमन रिसोर्स मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर मौजूद है. अगर कोई इनिशिएटिव या तो फिर मस्जिद वन या कोई भी इनिशिएटिव, यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इंडिविजुअल्स मौजूद हैं, ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं, अगर फेडरेशंस बना के एक कोशिश करेगा तो ज़रूर होगा. उसमें कोई दो राय नहीं है.
अगर प्रिंट मीडिया हो वो, या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो तो वो, या तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट सोशल मीडिया हो वो, एक आईटी सेल बनाने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ फैज़ा अजमता फतफक्कल अल्लाह मनजद्दा वजदा, आपको जो है सोचना है कि मैं करना है, वो कर डालेगा इंशाल्लाह कम्युनिटी। तो मैं समझता हूँ कि यही वो ब्रूइंग और जो है कम्युनिटी होगा एंटरप्रेन्योरशिप जिसमें, जिसके अंदर मौजूद है, जहाँ से ये चीज़ बाहर आएगा। आप ही क्या जिम्मेदारी है, किसी और के ऊपर वो जिम्मेदारी डालना नहीं है। टेकिंग क्लू फ्रॉम यू, देयर आर सम क्वेश्चंस अबाउट हाउ द लीगल सिस्टम इज गोइंग टू सपोर्ट, मतलब क्या एडवोकेसी हो सकती है, क्या लीगल सपोर्ट सिस्टम है। मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट्स में उसका जवाब दे दूंगा। अभी आसिफ भाई जो है विल प्रेजेंट हिज पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द शाहीन बाग पार्ट ऑफ इट, उसके बाद हम कंक्लूड कर लेंगे। जी सर, एक सवाल है, एक भाई ने पूछा कि हमको इंस्टेड ऑफ बीइंग रिएक्टिव हम प्रोएक्टिव क्यों नहीं होते। मुझे लगता है कि जिस दिन हम रिएक्शनरी से ज़्यादा हट के प्रोएक्टिव हो जाएंगे ना, इस मुल्क में दंगे ख़त्म हो जाएंगे। सारे एनजीओ, सारी तंजीमें जगती तब हैं जब एक मुसलमान शहीद हो चुका है, जब उसका घर टूट चुका है, या उसकी जो इकोनॉमिक स्टेचर है वो ख़त्म हो गया। ये बहुत हाई टाइम है कि हमको प्रोएक्टिव बनना है। पिछले 7 डिकेड्स में वो जो करते हैं उसके बाद हम आगे आते हैं रिलीफ का काम लेके। तो एक मुझे लग रहा है सॉल्यूशन का सबसे बड़ा जो स्टेटमेंट है वो ये कि वी नीड टू चेंज आवर माइंडसेट फ्रॉम बीइंग रिएक्शनरी टू बीइंग वेरी प्रोएक्टिव। कैसे करेंगे उसमें मुझे लगता है कि एक बहुत डिटेल डिस्कशन की ज़रूरत है कि प्रोएक्टिविटी में हमको कैसे लीगल अपना स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क डेवलप करना है, हमको अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप डेवलप करना है, हमारे एनजीओस को कैसे कलेक्ट करना है, राइट। दूसरा ये है कि रादर देन टॉकिंग हम अक्सर बात करते हैं दंगे हो रहे हैं, मुसलमान शहीद हो रहा है, एक सॉल्यूशन पे हमको वर्क करना चाहिए। वो सॉल्यूशन जो दंगों के प्री स्टेज पे भी काम करे, ऑन स्टेज पे भी काम करे, और जब दंगे हो गए हैं उसके बाद लीगल एस्पेक्ट पे भी काम करें। अभी इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी तंजीमें हैं जो इन तीन सेक्टर्स में अलग अलग काम करने करती हैं। बहुत हाई नीड है, मे बी हम इसको मस्जिद वन मूवमेंट से कनेक्ट कर दें। मैं ऐसे सैकड़ों तंजीमों को जानता हूँ जो इन तीन अलग अलग हिस्सों में काम करती हैं। अगर यही तीन अलग अलग हिस्से मिल के एक रोड मैप पर डिस्कस कर लें तो एक बहुत बड़ा सोल्यूशन वहाँ से आ जाएगा। जहाँ तक बात शाहीन बाग की है तो मुझे लगता है कि अक्सर जब ये चीज़ें, जब आफरीन का घर टूटा या जब लोगों को शहीद किया गया या दंगों में हम मिलते हैं तो एक अंधेरा दिखता है, एक मायूसी दिखती है। ऐसी मायूसी दिसंबर के महीने में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था वो दिखती थी। जितने भी रिसर्च स्कॉलर हैं वो सब अपने लैब से निकल के डिस्कस कर रहे हैं कि एक एंड हो गया। मतलब एक बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया, 370 का अब्रोगेशन हुआ, और 6 महीने के भीतर जब एक नई गवर्नमेंट बनी है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आ गया। तो अक्सर मैं सोचता था कि क्या इसका जवाब होगा। 8 तारीख को जब ये राज्यसभा में पेश हुआ तो हम ऐसा लगता था कि जैसे दम घुट रहा हो, सांस नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि मुसलमानों के पास एवेन्यूज नहीं थे कि हम अपनी बात कह सकें। मैं मुसलमान से, मेरा मुराद यूथ से है, क्योंकि जो सो कॉल्ड मुस्लिम मसीहा हैं उन सब ने अपनी खामोशी अख्तियार कर ली थी। तो उस पर और गुस्सा आता था कि पिछले 7 डिकेड्स में हमने तुमको अपना नेता माना है, हमने तुमको अपना रहबर चुना है, और जब आज मौका आया तो तुम चुप हो। तो वो गुस्सा बहुत था। जब 13 दिसंबर को जामिया में प्रोटेस्ट हुआ तो पुलिस ने हमको जामिया क्रॉस नहीं करने दिया। मेरे सामने एक हिजाब वाली लड़की को बैरिकेड से घसीट के नीचे गुराया। और गुस्सा कि हमको तुम दंगों में मारते हो, हमको इंसाफ एग्जीक्यूटिव के ऑफिस में नहीं मिलता, हमको तुम बाबरी मस्जिद को शहीद कर देते हो, हमारी मस्जिदों को तुम अदालतों से इंसाफ नहीं देते हो, तुम पार्लियामेंट में बैठ के एक कानून बनाते हो जो हमको हमारी सिटीजनशिप से छीन ले। तो हमारे पास ना तो स्टेट के एग्जीक्यूटिव में रोल रहा, ना स्टेट के लेजिस्लेचर में रहा, ना स्टेट के जुडिशरी में रहा, और जब हम अपनी बात कहने सड़कों पर आते हैं तो तुम घसीट के खींचते हो गोया जैसे हमारी जबान खींच लोगे, तब क्या। तो इतनी मायूसी थी कि 13 की रात में नहीं सोया, 14 की रात पूरे दिन नहीं सोया, 15 को जब शाहीन बाग के उस भीड़ में खड़ा हुआ और जब मैं पहली बार मैंने लोगों को पब्लिक एड्रेस शुरू किया तो अल्लाह ने ऐसी हिम्मत रखी।
जब मैं 15 दिसंबर को रात में सर्दियों में सोया हूं तो मुझे ठंड का एहसास नहीं हुआ, एक चादर नहीं थी, वो गुस्सा था। तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जैसे कहते हैं ना, कल समीर भाई कह रहे थे कौमों का अरूज और गुरूप एक दूसरे से लिंक्ड है। जब कुछ भी अंधेरा इतना हो कि आपको जरा सी रोशनी भी नहीं दिखे, आप बस अल्लाह को याद करिए, एक छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी आपको जरूर मिलेगी। शाहीन बाग में 15 दिसंबर को सिर्फ एक मोमबत्ती थी, सिर्फ चंद लोग, कितने 30 लोग 20 लोग, इतने ही लोग थे। हम जब लोग को बुलाते थे शाहीन बाग स्टेज पे तो हम उनको बोलते थे कि जामिया के पास एक जगह है शाहीन बाग, वहां पे एक प्रोटेस्ट हो रहा है, आप मेहरबानी करके आइए। तो लोग कहते थे कि हमको जामिया जाना है, शाहीन बाग पता नहीं कौन सी जगह है, लोग अवेयर नहीं थे शाहीन बाग से, लेकिन नीयत पूरी दुरुस्त थी। अजीसल्ला ने कहा ना कि अमाल का दारो मदार नीयत पर, नीयत सही थी। जो मैंने, जो शर्जील ने, जो हमने सोचा भी नहीं था, अल्लाह ने वो करके दिखाया। तो हमको, जैसे आपने बोला ना कि हमको उम्मीद नहीं खोना, मैं वाकई शाहीन बाग एक बड़ा एग्जाम्पल है, हमको उम्मीद नहीं खोनी, करने वाली जात अल्लाह की है। जब इतना ज्यादा ट्रबल हो जाएगा तब भी अल्लाह ताला कोई ना कोई उम्मीद जरूर जगाएंगे इंशाल्लाह। फाइनली इन टर्म्स ऑफ जो लीगल के जो सवाल हैं, आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि अगर हमको लीगल सपोर्ट सिस्टम को तैयार करना है या उसके अंदर जाना है, बगैर प्रूफ और बगैर एविडेंस के कोई काम नहीं होता, ठीक। और जब तक हम लोग इसका प्रूफ नहीं क्रिएट करेंगे, कभी जब तक हम लोग इसके एविडेंस नहीं रखेंगे, हमारे पास कोई दलील नहीं होती है कोर्ट्स में जाके या एडवोकेट्स जाके इन चीज़ों को प्रूफ करने के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि कोर्ट का जो काम का जो दायरा है वो बहुत लंबा है, उसका मेथड और प्रोसेस है, उसके लिए हमको हर दिन प्रिपरेशन की ज़रूरत है। तो आप लोगों में वो इंटरेस्ट आनी चाहिए कि लीगल सिस्टम को हमारे सपोर्ट सिस्टम का एक हिस्सा बनाने के लिए डेली हमारा जो लीगल सिस्टम के अंदर काम करने वाले जो वकील होंगे उनको उतनी रिसर्च करनी ज़रूरी है कि इस तरह का सिस्टम हम तैयार करें और उस तरीके दलीलों को तैयार करके हम जाके ठहरे, ना कि जिस दिन हमारे इशू तैयार हो गया उस दिन हम जाके ठहरें, ना कि उस दिन हम जाके कोर्ट में ठहरेंगे, एक एप्लीकेशन दे देंगे फिर निकल जाएंगे फिर गायब हो जाएंगे। इस तरह से हमारा लीगल सिस्टम की तरफ से हमारा सपोर्ट सिस्टम नहीं चलेगा। तो मुसलसल बहुत लंबा काम करने के लिए एक रेवेन्यू सिस्टम भी चाहिए होता है, एक फाइनेंशियल सिस्टम चाहिए होता है, क्योंकि वकील जो है एक दिन नहीं काम कर सकता, उसको हर दिन उस चीज़ के ऊपर काम करना होता है, एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट, दूसरी कोर्ट से तीसरी कोर्ट। आप लोगों को ये सारी चीज़ें मालूम है, लेकिन हमारा लीगल सिस्टम के अंदर उतना सपोर्ट सिस्टम नहीं तैयार है, तो इसके अंदर काम करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, हमारे इतने डिस्कशंस में अब शायद काफ़ी क्लियर है कि जो डिसीजंस हमारे खिलाफ हुए हैं उन डिसीजंस में हम लोगों की इंटरेस्ट भी मौजूद नहीं है और हम लोगों का पार्टिसिपेशन भी नहीं है उसके अंदर। क्यों नहीं है? हमारे लोग वहाँ पे नहीं है, हमारे इंटेलेक्चुअल्स वहाँ पे नहीं है। तो उनको तैयार करने के लिए एजुकेशन सिस्टम में हम लोगों को आना ज़रूरी है, हम लोगों को उस लेवल पे ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना ज़रूरी है जहाँ पे ये चीज़ें तैयार होती है, और इंक्लूसिव गवर्नमेंट के अंदर आना ज़रूरी है। आई थिंक दैट विल बी। ये लीगल सपोर्ट के सिलसिले में मैं दो ऑर्गेनाइजेशन जो सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स पर काम करते हैं उसको नाम आपके सामने बोलना चाहूँगा। एक है जमीयत उलमा हिंद का लीगल सेल, जिसके अंदर एक अच्छा बड़ा तादाद में एडवोकेट्स मौजूद है और बड़ा काम खिदमत अंजाम दिया है। और नंबर टू है एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, APCR, जो मुल्कगीर सतह पर बहुत ज़्यादा एडवोकेट्स के साथ लीगल एड देने की कोशिश करते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ मैं ऐसा ही पढ़ता हूँ, हमारे लिए बहुत जो है एक गाइडेंस होगा। प्रोफेसर CM मोहम्मद नसरुल्ला शरीफ, चिकमगलुरु, द वॉज अ कम्युनल क्लैश इन 1968 जिसके निशानदेही हम लोग कर रहे थे। आफ्टर विजिट ऑफ गोल्ड वॉल्कर द वॉज अ सीरीज ऑफ क्लैशेस फॉर 2 years इन साउथ इंडिया, लेड टू भिवंडी एक्सेट्रा। देर आफ्टर अगेन इन 1970 एंड 1972, देर आफ्टर SP and DC called for peace committee meeting. I was nominated as SPO, मतलब आपको स्पेशल पुलिस ऑफिसर के तौर पर नॉमिनेट किया गया, स्पेशल पुलिस ऑफिसर। और देर आफ्टर टिल दिस ईयर देर वॉज नो क्लैशेस इन आवर सिटी। मतलब एक अच्छा सोल्यूशन है
कि आपके जगह पर पुलिस स्टेशन से बताएं कि यहाँ पर एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर चाहिए, उसका उसका एक अच्छा लिविंग एग्जांपल यहाँ पर मौजूद है, ये एक अच्छा चीज़ है। और ये गुजरात से एक से ज़्यादा, इसके पहले भी आया था स्पेशल मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ इन नॉन मुस्लिम एरियाज, मतलब इन गुजरात देयर इज अ लॉ कॉल्ड डिस्टर्ब एरिया एक्ट, इट प्रिवेंट्स मुस्लिम्स टू बाय प्रॉपर्टी इन नॉन मुस्लिम एरियाज। ये लॉ के खिलाफ, मतलब ये सिर्फ लॉ नहीं है, उसके अलावा जो लव जिहाद लॉस जो करार दे के जो ऑर्डिनेंस लेके आए हैं जो है 11 डिफरेंट स्टेट्स में, और इसके अलावा जो काउ स्लॉटर के बारे में तो है ही, लेकिन जो लव जिहाद एक्ट है और ये एक्ट के खिलाफ, इस तरीके का और भी बहुत सारे एक्ट्स आएगा, अभी गन लॉ आ सकते हैं, लोगों को गन ऑनरशिप देने वाला जो है और उसको लिबरलाइज करने वाला लॉ आ सकता है। ये चीज़ जब इनैक्ट होता है तो हमारा जिम्मेदारी एक सिविल सोसाइटी, हम स्ट्रेटेजिक लिटिगेशन के तरफ जाएं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ और कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियादी प्रोविजंस के खिलाफ जब खिलाफ वर्जी होते हैं, इक्वालिटी के खिलाफ, लिबर्टी के खिलाफ, जस्टिस के खिलाफ जब इनैक्टमेंट होते हैं, आर्टिकल 21 के खिलाफ है जो ऑर्डिनेंस है आपके, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें आपको फ्रीली चूज, आपके पार्टनर को चूज करने का पूरा आज़ादी मौजूद है, लेकिन उसको रद्द करते हैं ये जो ऑर्डिनेंस है जो लव जिहाद एक्ट के तहत है, मतलब इसके खिलाफ जब एक्ट आता है तो हमारा जिम्मेदारी है कि हम उसको स्ट्रेटेजिक लिटिगेशन के तहत कोर्ट में मल्टीपल केसेस डाल के उसको ख़त्म करने का जो लीगल एक्टिविज्म है वो हमारा बड़ा जिम्मेदारी है। तो ये भी एक हमारा दायरा है जो एनजीओ सेक्टर में हम शुरू करना चाहिए, स्ट्रेटेजिक लिटिगेशन, मीडिया एडवोकेसी, पार्लियामेंट्री एडवोकेसी, इंटरनेशनल एडवोकेसी, इंक्लूडिंग जो है बहुत बड़ा दायरा है जो अब तक हमने छेड़ा नहीं है मुस्लिम उम्मत, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत शुक्रिया।